मोटा हुई हुई कर रहा खाने के चक्कर में। पर यार अभी भी पंजाब में सोचते यहाँ पे धुंध गिर रही है, तो उस पर ना लॉग इन करने से पहले डरते हैं। मैंने ध्यान नहीं दिया, मतलब सच में इंडिया बदल रहा है भाई। तो ये मॉल रोड है, नाइट में भी आप एक बार देख लो मॉल रोड को। चलती है कैब आ गई है। देखो भाई आते हो ना तो हमेशा जिंक बस की सर्विस लेकर के आना, एप्स के लिंक्स में डाल दूंगा नीचे, बहुत प्यारा है। मतलब है ना आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो आपको जैसे अगर ज़्यादा स्नोफॉल हो गए ना तो पिक का भी सर्विस कर देते हैं, मतलब आप जहाँ रहोगे ना वहाँ पर उसकी कैब आ जाएगी पिक करने के लिए। अब उससे अच्छा तो क्या चाहिए, मतलब मैं यहाँ पर लोग बोल रहे थे, जैसे आपने वीडियो में पहले देखा होगा लोग काफ़ी कुछ बोल रहे थे कि भैया हम 1500 लेंगे, हम 2000 लेंगे। थैंक यू टू जिंक बस, क्योंकि उसने है ना मतलब अभी कॉल आया और मतलब आपके बस से 3 घंटे 4 घंटे पहले उसका कॉल आ गया और उन्होंने बोला कि सर आपको है ना डेस्टिनेशन हमने चेंज की है, तो आपको उस जगह पर जाने के लिए हमने टैक्सी अरेंज कर दी है, आप वहाँ पर जाइए आपको टैक्सी मिल जाएगी। एट लास्ट टैक्सी वाले का कॉल आया, सबसे बड़ी चीज़। मतलब सच में इंडिया बदल रहा है भाई, चीज़ें बहुत तेज़ी से अपडेट हो रही हैं। आपको आप मनाली आते हो बिल्कुल हाइपर मत हो, जिंक बस की सर्विसेज आप बुक कर लो, ऐप के लिंक्स मैं दे दूँगा नीचे जैसे मैंने पहले बोला है। आपको सिर्फ जाना है, जिंक बस ढूंढनी है, उसको बुक कर लेना है। थोड़ा भी अगर पिक एंड ड्रॉप में ऊपर नीचे होगा ना वो आपके लिए टैक्सी अरेंज कर देंगे, उसका बहुत माइनर 30-35 रुपये में टैक्सी आपको ड्रॉप कर देंगे ले आकर के, तो आप ऐसे बहुत आराम से जा सकते हो। तो मॉल रोड के देखो आप, मॉल रोड देख के हम चल रहे हैं। अभी हमें जाना है भूतनाथ टेम्पल पे, क्योंकि जिंक बस की जो सर्विस है मतलब कैब है वहीं पर मिल रही है। ओए ये याद आया, उन्होंने गाड़ी अरेंज कर दी। हाँ ठीक है, उन्होंने ऐसे गाड़ी अरेंज कर दी और अब ये है ना गाड़ी यहाँ से पिक कर रही है और जहाँ पे बसें खड़ी होंगी ना वहाँ ड्रॉप करेगी। तो दोस्तों अगर कभी भी आप आते हो, जैसे मैंने वीडियो में पहले भी बोला है, भूतनाथ टेम्पल के पास में यहाँ पे इन्होंने अरेंज किया था, आपको व्हाट्सएप पे अपडेट आ जाएगा, आप आराम से कॉल करिए और बहुत अच्छी सुविधा में लेकर के जा रही है। तो फालतू पैसा ना वेस्ट करो, आप आराम से वेट करो, सारी चीज़ें अरेंज आती है। अब देखो इन्होंने कर दिया आराम से, यहाँ से बैठ के जा रहे हैं, नहीं तो कितना पेमेंट मांग रहे थे कि मैं रिकॉर्ड नहीं किया तो बहुत ज़्यादा। चलो चलते चलते एक बार और, ये कुछ बाहर का व्यू है, सुबह से अभी अगर अभी तक की बर्फ देखे ना यार, ये तो खैर अच्छे अच्छे दिख रहा है, ये इतनी बर्फ गिरी हुई है यहाँ पे। सामने कुछ होटल के नजारे हैं, अच्छे ओके आ जाओ। तो कुछ दिखाता, सॉरी 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 मैंने ध्यान नहीं दिया। दोस्तों मनाली से जिस गाड़ी ने पिक किया था वो उसने ला के यहाँ ड्रॉप किया है और बस से खैर यहीं पे लगी हुई है। अब नॉर्मल जिससे जो हम मार्केट में जिस कारण से परेशान होते वो नहीं हो रहे, यहाँ पे इनका पूरा ऑफिस है। अगर आपको स्टे करना तो ऊपर इसकी पूरी व्यवस्था कर रखी है इन्होंने, इधर रिसेप्शन है वहाँ से ऊपर जा करके इसमें स्टे भी कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा दूर से दिखाना चाहता हूँ, पर क्या मेरे स्पोर्ट्स शूज जो स्लिप कर रहे थे थोड़ा पास से दिखाओ। अंदर चलते हैं, लॉन्च को अंदर से दिखाता हूँ क्या क्या फैसिलिटीज़ इन्होंने अंदर कर रखी है जो आपके काम की है। आप अंदर देखोगे तो अंदर पूरी बैठने की जगह का रखी है, हीटर्स लगा रखे हैं, गर्म पानी है, वॉशरूम वगैरह है, खाने पीने के लिए बच्चों के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे। तो आप आते हो तो फैसिलिटीज़ पूरी है, काउंटर है यहाँ पे और इन्होंने पूरी फैसिलिटीज़ करके रख रखी है। अंदर इस तरह में वॉशरूम है,
और जैसा मैं रिसेप्शन के लिए बता रहा था वैसे ये रिसेप्शन काउंटर है यहाँ पे, तो अगर आप स्टे करना चाहो तो स्टे कर सकते हो रास्ते ऊपर ला करके, वो भी होता है। तो फैसिलिटी की बात करते हैं, बहुत अच्छी है, आप देख लो शांति से उसको। तो दोस्तों बस अपनी आ गई है जो से क्लाउंस के बिल्कुल सामने थी। तो रिव्यू वीडियो इसके लिए बना रहा हूँ, नॉर्मली अगर हमने न्यू कोई ऐप वगैरह होता है तो हम उस पर ना लॉगिन करने से पहले डरते हैं कि यार अगर हम जाएंगे तो क्या पता हमारे पास कुछ बुरा हो जाए या फिर हमको सर्विस नहीं मिले, इस चक्कर में हम न्यू ऐप्स को छोड़ देते हैं। और ये गलती ही मैंने की थी, यही गलती मैंने की थी जब मैं दिल्ली से मनाली आ रहा था, पर मिसेज ने बोला तो मैंने बोला कि चलो यार इससे करके देखते हैं, बेस्ट सर्विस है ये, पर्सनल रिव्यू बोला। तो जितने भी व्यूवर्स हैं इसके लिंक मैं नीचे छोड़ रहा हूँ, आप वहाँ जाओ चेकआउट करो, आपके बस की बुकिंग, ट्रेन की बुकिंग, होटल की बुकिंग सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा। अंदर से एक बार व्यू कर देता हूँ मैं, क्योंकि फिर बाद में भर जाएगा तो फिर कौन देखने वाला है, अभी शायद क्लीन होगा। तो ये बस थोड़ी अंदर से इस टाइप की, तो अंदर से ऐसी दिखती है बस। अब सफर कर लेते हैं, उसके बाद में आपको रिव्यू देता हूँ कि कैसी है और कितनी अच्छी सर्विसेज ये पूरी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों मनाली से निकले, बहुत टाइम हो गया, अब सुबह के बज रहे हैं इस समय 7 नहीं 7 नहीं बज रहे हैं, हाँ 7 बजने वाले, मतलब 6:30 के आसपास का टाइम है। चंडीगढ़ क्रॉस कर दिया हमें, और ये जो आप देख रहे हो ना फॉग गिर रही है बस अपनी यहाँ पे खड़ी, अच्छा है, बहुत सही लेकर के, वॉमिटिंग वगैरह भी नहीं हुई, बहुत मज़े से आ गए। तो ये पहला सफ़र ऐसा रहा कि हमने बहुत अच्छे से किया, पर यार अभी भी पंजाब में सोचा यहाँ पर धुंध गिर रही है और जयपुर में कुछ भी नहीं है, मतलब गर्मी है जयपुर में, यहाँ पे रोड नहीं दिख रही है सामने, अगर आप ये देखोगे ना ये वाला पोर्शन तो इधर रोड है और वहाँ पे वो भी नहीं दिख रही है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ठंड है। तो दोस्तों बस से उतर गए और एक ऑटो वाला हमने किया वहाँ पे कश्मीरी गेट पे, बस वाले ने हमें ड्रॉप छोड़ा वहाँ से, 100 रुपये में ऑटो मिला जो हमको ओल्ड दिल्ली लाके छोड़ दिया है, और जस्ट उसके बिल्कुल सामने यहाँ पर खाने पीने के सभी जगह हैं, देखो 40 रुपये में छोले भटूरे मिलते हैं बहुत अच्छे, 40 रुपये के बहुत अच्छे छोले भटूरे हैं, खा रहे हैं अब, खा के चलेंगे रेस्ट वेस्ट करेंगे तभी मिलते हैं आपसे, प्लग फटाफट खा लें, और 40 रुपये वर्थफुल है ना, मोटा हुई हुई कर रहा खाने के चक्कर में, क्योंकि वो कल से कुछ खाया तो है नहीं, उल्टी के चक्कर के अंदर तो लगी हुई है, धनाधन धनाधन छोले भटूरे जा रहे पेट के अंदर इनके। चलो मैं भी फिनिश करूँ फिर मिलता हूँ आपसे। तब हमारी ट्रेन आ रही है, वैसे अभी नाश्ता वास्ता कर लिया था, नाश्ता हैवी कर लिया वो कर करा के, अब 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर दिल्ली पे बैठे हुए आकर के, इनका चरना बंद हो ही नहीं रहा, चपड़ चपड़ कुछ खा रही है कुछ पी रही है, मोटे मोटा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। बस अब ट्रेन का वेट कर रहे हैं, ट्रेन आएगी, ट्रेन में बैठेंगे और जयपुर के लिए 15 715 ट्रेन नंबर है गरी नवाज, जो ओल्ड दिल्ली से जयपुर के लिए हमको लेके जाएगी, मैं कुछ देर में स्टेशन पर आ जाएगी, उसके भी दर्शन करवा ही दूंगा मैं उसे भी देख लो, तो बस देखिए आपने तो ट्रेन भी देख लो, और फिर उसके बाद अपन निकल चलेंगे जयपुर के लिए, तो ट्रेन आती है तो फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों दिल्ली से इस ट्रेन को पकड़ कर जयपुर पहुंच गए हैं, और अब यहां से ऑटो पहले कर चलते हैं, कुछ होटल में खा पी लेते हैं और फिर उसके बाद फिर हम निकलेंगे घर के लिए, फिर घर चल के रेस्ट करते हैं। तो वीडियो एंड घर पर चले करूँगा मैं, यहाँ पर तो वैसा है माहौल नहीं, घर पहुँचे वीडियो एंड करते हैं। कुछ बाहर से ऐसा दिखता है जयपुर रात के टाइम का, टाइमिंग शायद 8:30 9:30 8:30 7:30 के आसपास का टाइमिंग है। तो जयपुर स्टेशन के बाहर यहाँ पे निकल गए, ये अपना रहा जयपुर स्टेशन और ये रहा अपना तिरंगा, ठीक है। अब घर तो जा नहीं रहे क्योंकि घर पहुँचेंगे तो थक जाएंगे, तो यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठ करके अपना डिनर कम्प्लीट करके फिर घर के लिए निकलेंगे। अंदर सिमरन बैठी हुई तो अंदर चलते हैं, डिनर चेक करते हैं कैसा डिनर दे रहे हैं ये। इन्होंने लिए शाही थाली जो जयपुर में 160 रुपये में मिल जाती है, और बहुत मतलब इसमें ना आपको ना दाल मिल जाएगी, 2 तरह की सब्ज़ी मिल जाएगी, रोटियां मिल जाएगी, पापड़ मिल जाएगा, स्वीट मिल जाएगा, 160 रुपये में, इससे बेटर थाली आपको नहीं मिलने वाली कहीं पे भी, ठीक है। और मैंने सादा थाली ली क्योंकि मैं इतना हैवी खाया हूँ ना घूम घूम के, तो बस दाल और छोले और रोटी अनलिमिटेड, कितने की थाली आप सोच नहीं सकते, 90 रुपये के अंदर ही पूरी थाली है, जिसमें अनलिमिटेड रोटी मिल रही है, 2 दाल मिली और 1 सब्ज़ी ली है मैंने,
मतलब आप दो सब्जी भी ले सकते हो। नाम मैंने दिखा दिया, अगर आप थके हुए हो तो होटल में खाने से अच्छा है जयपुर में आप है ना यहाँ बैठ के फिर खा करके जाओ, बहुत बेस्ट आपको खाना मिलेगा। कैसा है खाना? बढ़िया ना। अब सोचो 160 की थाली मिली है, अभी स्वीट भी मिलेगा इनको इसके अंदर। तो चलिए अब मैं इस डिनर कंप्लीट करता हूँ और फिर ऑटो स्टैंड पे मिलेंगे आपसे। पुराना भोजन सबसे अच्छा खाना है ना, तो अक्षरधाम पवित्र भोजनालय है, ठीक है यहाँ। और कहाँ पे है ये? एग्जिट रेलवे स्टेशन है, इसके बिल्कुल सामने ही है। आप वहाँ से जैसे बाहर निकलोगे ना इससे आओगे तो इस सर्कल दिखेगा ही आपको, राइट। इस सर्कल के बिल्कुल सामने आओगे तो ये वाला ढाबा पड़ेगा, आप आराम से यहाँ पे आकर के खाना खा सकते हो। मतलब ये मान लो दबा करके हमने 250 रुपये में खाना खाया है और अल्टीमेट भोजन मिला खाने पे। तो आप आइए, जरूर चेकआउट करना आप आकर। अगर होटल भी जाने वाले हो ना तो पहले यहाँ पे खाना खा लो, बाहर आपको ऑटो यही मिल जाएगा। अंदर अगर कोई बोलता भी ना कि ऑटो वगैरह नहीं मिलते, तो बाहर यहाँ ऑटो मिल जाएगा जो आपको होटल पे छोड़ देंगे अगर आप जयपुर घूमने आ रहे हो तो। फायदा क्या है, बाहर आओगे ना तो आपको होटल कम चार्ज में मिलेगा जयपुर घूमने के लिए, अंदर से ज़्यादा अच्छा आपको बाहर रहेगा। तो एक बार चेक जरूर करिएगा आप। मिलते हैं आप, मैं ऑटो स्टैंड पर आ रहा हूँ, घर चलते हैं, घर जाके मिलते हैं अब इनसे। तो दोस्तों ऑटो मिल गया है और अब निकल चुके हैं घर के लिए। आप थोड़ा रास्ते का व्यू देख लो। चलिए दोस्तों घर पे मिलते हैं आप। तो दोस्तों घर पे पहुंच गए हैं। तो दोस्तों घर पे पहुंच चुके हैं, घर पे पहुंच करके अब रेस्ट वगैरह करेंगे। तो इसी के साथ इस पूरी ट्रिप को और इसी ब्लॉग को समाप्त करते हैं। आशा हूं मित्रों हमारी मेहनत, हमारी क्या पूरी फैमिली की मेहनत आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पे सेट करना, कमेंट जरूर करना कि आपको क्या अच्छा लगा। अगर कुछ कमी है तो मेरे को सजेस्ट जरूर करना और अपनी फैमिली में भी शेयर करना वीडियो को कि क्या और कैसे आदमी जाए घूमने और उसको क्या क्या चीजें मिलती है उसके अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। नमस्कार, जय माता दी।